एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा कि न्यूट्रल रहें। एक दफा तो हमें हैरत हुई कि कहीं न्यूट्रल मत रहें तो नहीं लिखा हुआ। वो एस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं, वो न्यूट्रल हो जाए या मुदाखलत करे। आजम नजीर तारड़ का कहना है कि पंजाब और KPK की असेंबलियां कल की जगह आज तोड़ दी जाए। मुस्लिम नून और इत्तेहादी जमातें इंतखाबात से घबराने वाली नहीं है। पंजाब असेंबली में 4 ग्रुप बन चुके हैं, अब भी वक्त है झाड़ू फेरे वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी TV। बचपन में हमसे बड़े अफराद अक्सर इस तरह की दिल लगी करते थे कि हम तजब्दुब का शिकार हो जाते थे कि ये क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी बड़े ने कहा कि रोको मत जाने दो, और फिर इन अल्फाज से इस तरह खेला कि रोको मत जाने दो। अल्फाज एक ही हैं मगर लहजा बोलने का तरीका मुख्तलफ है, या यूँ कह लीजिए कि मूड पर मुनसर है कि कब आपको किस मतलब की ज़रूरत है, इसके तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जुमला बोला जाए। बचपन की यह हरकत सुबह इसके याद आई कि जब इमरान खान का हालिया बयान नज़र से गुजरा कि एस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा कि न्यूट्रल रहें, एक दफ़ा तो हमें हैरत हुई और बयान को दोबारा पढ़ा कि कहीं न्यूट्रल मत रहें तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि माजी में इमरान खान का मुतालबा ये था कि न्यूट्रल मत रहें, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अगर आप न्यूट्रल रहे तो तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। न्यूट्रल ना रहने की दीनी हिकायत भी अपने जलसों में सुनाया करते थे। आप सोचिए कि अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट ने यह सोच भी लिया कि चलो इमरान खान मुल्की सियासत का एक लीडर है तो इसकी भी बात सुन लेते हैं, जो हमसे क्या चाहता है, तो वो लोग तो हमारे बचपन की तरह तजब्बुब का शिकार हो जाएंगे कि जनाब खान साहब चाहते क्या हो। अब तक ये वाज़ेह ही नहीं हो रहा और ना खान साहब को समझ आ रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं, वो न्यूट्रल हो जाए या मुदाखलत करे। यही हालात इमरान खान के असेंबलियाँ तोड़ने के बयान को लेकर हैं। असेंबलियों की तहलील को लेकर तहरीक इंसाफ का फैसला हो या ना हो, मगर दोनों सूबों के गवर्नर्स ने अपना फैसला सुना दिया है कि अगर ऐसा कुछ हो गया या किया गया तो क्या होगा। गवर्नर पंजाब बुलीगुर रहमान ने कहा है कि परवेज इलाही के पास असेंबलियाँ तहलील करने की समरी भेजने का आइनी हक है, लेकिन मेरे पास भी अख्तियार है कि जब चाहूँ वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ। गवर्नर बुलीगुर रहमान ने गैर मुल्की मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात की और कहा कि उम्मीद है इमरान खान माजी की तरह असेंबलियों की तहलील पर भी यूटर्न ले लेंगे। वो यूटर्न के माहिर हैं, पहले असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान तो करें जिसकी कोई उम्मीद नहीं। उनका कहना था कि परवेज इलाही असेंबली नहीं तोड़ना चाहते हैं, परवेज इलाही के पास असेंबली तहलील करने की समरी भेजने का आइनी हक है, और वो बतौर गवर्नर समरी वसूल करने के बाद 48 घंटों में फैसला करेंगे कि क्या करना। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के पास तहरीके अदम एतमाद पेश करने का अख्तियार है, मैं किसी भी वक्त वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें इंतखाबात से घबराने वाली नहीं हैं, हम हर वक्त अवाम के पास जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत मेरे मेहमान हैं, इनसे मुलाकात होती है तो बातें भी होती हैं, हकूमत और अपोजिशन में बैकडोर रबते भी होते हैं, बैकडोर मुज़ाकरात की बातें पब्लिक नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत और इसहाक डार के दरमियान भी रबता हुआ है। उनका कहना था कि हमेशा धीमे लहजे में रहता हूँ लेकिन इसे कमज़ोरी ना समझा जाए, जहाँ ज़रूरत पड़ी रवैया जारहाना भी कर सकता हूँ। दूसरी जानब गवर्नर KPK ने भी कह दिया कि असेंबलियाँ ना तोड़े तो ही बेहतर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली ने कहा है कि 6 माह बाद मुल्क में इंतखाबात होने हैं, लिहाजा सूबे में गवर्नर राज नाफिज़ नहीं करना चाहता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ग़ुलाम अली ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन किया, जिस दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर हाउस आने की दावत दी और साथ ही शिकवा किया कि PTI की सूबाई हुकूमत ने उन्हें मुबारकबाद तक नहीं दी। इस मौके पर गवर्नर का कहना था कि 6 माह बाद मुल्क में इंतखाबात होने हैं, लिहाजा सूबे में गवर्नर आज नाफिज़ नहीं करना चाहता। गवर्नर के मुताबिक परवेज इलाही ने कहा कि कोशिश करूँगा मौजूदा सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाऊँ। बज़ाहिर तो असेंबलियाँ तोड़ने की बुनियादी वजह बैड गवर्नेंस नज़र आती है। पंजाब में परवेज इलाही अपने अख्तियार के मुताबिक काम तो करना चाहते हैं मगर सियासी लड़ाइयों के पेश नज़र
अब तक परवेज इलाही का कोई ख़ास काम सूबे में शुरू नहीं हो सका और केपीके की हालत तो यहाँ तक है कि ताजरों ने हुकूमत की नाहली से तंग आकर इमरान खान को ख़त लिख डाला है। पेशावर में भत्ते की कौज और घरों पर दस्ती बमों से हमलों पर ताजर शदीद परेशान है, जिसके बायस इंसाफ ट्रेडर्स विंग के ताजरों ने इमरान खान को इस हवाले से ख़त लिखा है। PTI के ताजरों की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस पेशावर में भत्ता वसूली के वाकयात बढ़ गए हैं। साबिक वजीर हाजी जावेद और सेनेटर हिदायतुल्लाह के घरों पर बम फेंके गए। ताजरों ने ख़त में कहा है कि पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल गैर तसली बख्श हो गई है। सूबाई हुकूमत के नोटिस में लाने के बावजूद इकदाम नहीं किए गए। पेशावर के शहरी भत्ते और अगवा की वारदातों पर परेशान हैं। ख़त में बताया गया है कि गुज़श्ता दिनों गुलबहार में कस्टम ऑफिसर को डकैती मदामर पर कत्ल कर दिया गया। ताजर रहनुमा के वालिद को भत्ता न देने पर 2016 में कत्ल किया गया। सूरत हाल दुरुस्त करने के लिए इकदाम किए जाएँ। PTI के ताजर विंग ने पार्टी चेयरमैन से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है। इमरान खान मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर अपने असम्बली तोड़ने के बयान को दोहरा रहे हैं। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलने पर तैयार बैठी है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने इस हवाले से अहम बयान दिया है। आजम नज़ीर तारर का कहना है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ कल की जगह आज तोड़ दी जाएँ, PDM इलेक्शन के लिए तैयार है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का कहना था कि इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे, गवर्नर आज का कोई ऑप्शन हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। आजम नज़ीर तारर का कहना था कि इमरान खान हकीकत से ज़्यादा इल्हामी मामलात में रहते हैं। आइन में वज़ीर आला को असम्बली तोड़ने का अख्तियार है, लेकिन ठोस वजह होनी चाहिए। इमरान खान को आइन में अख्तियार नहीं कि वह असम्बलियाँ तोड़ने का कहें। वहीं अब कुफ टूटा खुदा खुदा करके इमरान खान ने एक और नई तारीख दाग दी है कि 17 दिसंबर को वह असम्बलियाँ तहलील करेंगे। इमरान खान का कहना है वो 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को लिबर्टी चौक पर तहरीक इंसाफ का इज्तिमा होगा, जहां वो दोनों असम्बलियों की तहलील के हवाले से ऐलान करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि इनके अरकान कौमी असम्बली ऐवान में जाकर दोबारा इस्तीफे देंगे, जिसके बाद 70% मुल्क इलेक्शन मोड में चला जाएगा। अक्ल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इंतखाबात कराने हैं तो बेहतर है कि आम इंतखाबात ही करवा दिए जाएँ। इमरान खान के इन गैर संजीदा मुतालबों और हरकत पर बागी रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल वाबडा एक दफ़ा फिर मशवरा लेकर इमरान खान के सामने पहुंच गए हैं। फैसल वाबडा ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर मशवरे दिए। अपने ट्वीट में फैसल वाबडा का कहना था कि सांप और कीड़े आपसे गलतियां करवा के नाहली के दरवाजे पर ले आए हैं, ये गलतियाँ उन्होंने आपसे करवाई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत भी नहीं गिरेगी और आपको भी पता चल जाएगा, और बिलफर्ज गिर भी गए तो निज़ाम फिर भी चलता रहेगा। इनका कहना था कि हासिल हसूल 0 जमा 0, नतीजा 0 होगा। अब भी वक्त है झाड़ू फेरें वरना बंद गली से निकलना नामुमकिन होगा। बहरकैफ इस बारे में फैसला तो इमरान खान को करना है कि बकिया सारी सियासी ज़िंदगी उन्होंने इदारों से तले मिनते करके गुजारनी है या सियासत की अहमियत को समझते हुए कौम और मुल्क के लिए पार्लियामेंट और जमहूरियत को मजबूत करना है। इमरान खान के बाजी के रिकॉर्ड से तो यही महसूस होता है कि वो अपनी ज़िद और अना के चक्कर में सारी बकिया सियासी ज़िंदगी तरले मिनते करके ही गुजारेंगे, जिसका हासिल असूल कुछ ना होगा। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जहां इमरान खान ने दर्जनों यू टर्न मारे हैं, एक यू टर्न जमहूरियत और मुल्क के लिए भी मारे और अपनी अना को एक तरफ करके मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर चलें। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक और ख़बर आपसे शेयर करना है, और वो ख़बर ये है कि पंजाब असम्बली में 4 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप तो परवेज इलाही का है, जिसमें 10 MP उनके साथ हैं। एक ग्रुप जहांगीर तरीन का है, एक और ग्रुप छीना ग्रुप कहलाता है, और एक चौथा ग्रुप है जो अलीम खान ग्रुप कहलाता है। मरकजी हुकूमत इस वक्त जो इतने एतमाद से कहती है कि आप तोड़ लें अगर आप पंजाब असम्बली तोड़ना चाहते हैं, तो उसकी वजह यही कॉन्फिडेंस लगता है कि शायद ये ग्रुप जिस वक्त इमरान खान साहब असम्बली तोड़ने की बात करें इनके साथ ना जाएं। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना है कि ये ग्रुप्स किस तरह का रोल प्ले करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।